हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र मालवी। आज हम देखने वाले हैं क्लाइमेट चेंज। आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को समझ लेना चाहिए वेदर और क्लाइमेट। वेदर की हम बात करें, यदि मौसम की हम बात करें, तो मौसम क्या है? एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है, मतलब एक कुछ समय अंतराल के लिए आने वाला क्या है, कंडीशन है इन्वायरमेंट की, जैसे बरसात, ठंड, गर्मी, ये सब क्या है, मौसम है। जबकि जलवायु की हम बात करें, जलवायु क्या है, एक एवरेज वेदर है किसी क्षेत्र विशेष का। जैसे हम भारत की बात करें, भारत की यदि हम जलवायु की बात करें तो कैसी जलवायु है, यदि एवरेज निकालें इसका तो गर्म है। हमेशा क्या होता है, सूरज की किरणें यहाँ पर वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती हैं। यदि हम यूरोप से कंपेयर करें तो यूरोप की जलवायु कैसी है, ठंडी है ना। इंग्लैंड की देख लें हम, कैसी है वहाँ की जलवायु, ठंडी है। भारत की कैसी है, उष्ण है, गर्म है। तो इस प्रकार से जो जलवायु होती है, पूरे वर्ष भर कैसा मौसम रहता है उसका एवरेज कंडीशन, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं जलवायु, ठीक है। जबकि मौसम क्या होता है, मौसम एक कुछ समय के लिए होता है, जैसे अभी बरसात हो गई, फिर क्या हो गया, गर्मी आ गई, तो ये क्या है, मौसम है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। तो अब देखते हैं हम जलवायु। तो जलवायु क्या है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो औसत मौसम होता है उसको हम बोलते हैं जलवायु, ठीक है ना। जब किसी क्षेत्र विशेष में क्या होता है, औसत मौसम में परिवर्तन आता है, तब इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। मतलब जो उसका औसत मौसम है, जैसे हम मान लें भारत की बात करें कि भारत में जलवायु कैसी है, गर्म है। लेकिन यदि और अधिक गर्म हो जाए तो ये क्या है, यहाँ की जलवायु में परिवर्तन है। या फिर यहाँ की जलवायु कैसी हो जाए, मौसम थोड़ा सा और ज़्यादा ठंडा हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज। तो हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, और यदि नुकसान होते हैं तो इसके लिए कौन कौन से कदम अभी तक पूरी दुनिया ने और भारत ने अभी तक उठाए हैं। जैसे हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, जैसे एक स्थान विशेष क्या होता है, विशेष में भी क्या होता है, महसूस कर सकते हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन ऐसा नहीं है कि हमें पूरे विश्व में एक साथ आएगा समझ में, कभी कभी हम किसी स्थान विशेष में भी क्या होता है, जलवायु परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं, या कभी कभी पूरी दुनिया में भी हमें महसूस हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी पर्टिकुलर देश में ज़्यादा क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो हमें वहाँ पर क्या होता है, जलवायु परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे हम दिल्ली का एग्जाम्पल लें, तो वहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो क्या होता है, वहाँ पर हमें जलवायु परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन यदि हम पूरे विश्व की बात करें, तो आज की तारीख में जलवायु परिवर्तन क्या हो रहा है, पूरे विश्व में देखने को मिलता है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन का एग्जाम्पल हम देख लें कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा। वाटर लेवल बढ़ेगा तो जो कोस्टल कंट्रीज है, मतलब जो ऐसी देश जो समुद्र किनारे बसे हुए हैं, ऐसे शहर जो समुद्र किनारे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, जलमग्न हो जाएंगे। तो अभी से क्या हो रहा है, वाटर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, ग्लोबल मुद्दा हो गया है, किसी क्षेत्र विशेष का मुद्दा अब नहीं रहा है। हम देखते हैं कि पिछले 100 वर्षों में हम देखें तो पृथ्वी का तापमान क्या हो गया, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि हम मानव जाति पर इसका असर देखें, मनुष्य के स्वास्थ्य पर, तो क्या है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक समस्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, कौन किस कारण से ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं। पहला है प्राकृतिक गतिविधियाँ, मतलब जो नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो प्राकृतिक गतिविधियों से भी क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। दूसरा है मानवीय गतिविधियाँ, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। तो जो प्राकृतिक गतिविधियाँ उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो मानवीय गतिविधियाँ उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राकृतिक गतिविधियाँ क्या होती है और कौन कौन सी गतिविधियों से किस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन होता है। पहला आपका है महाद्वीपीय संवहन। अब ये महाद्वीपीय संवहन क्या है, महाद्वीपीय संवहन मतलब है कि जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि पहले धरती में ये अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, पहले क्या था, एक ही बड़ा महाद्वीप था, एक ही धरती का केंद्र था। बाद में क्या हुआ, वो टूट गया, ब्रेक हो गया, और अलग अलग महाद्वीपों में क्या हुआ, बढ़ गया। और सभी महाद्वीप क्या है, एक दूसरे से
दूर जा रहे हैं, और इनके दूर जाने से क्या हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट में क्या क्या होता है, लावा तो निकलता ही है, साथ ही साथ उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, जल वाष्प भी निकलती है। इससे क्या होता है, जो हमारा समताप मंडल है, समताप मंडल में क्या होता है, ये सभी जाके जमा हो जाते हैं। इनके जमा होने से क्या होता है, सूर्य प्रकाश आने में बाधा होती है। जब सूर्य प्रकाश नहीं आएगा तो क्या होगा, किसी देश में जहाँ गर्मी होनी चाहिए वहाँ क्या जाएगा, अचानक से ठंड आ जाएगी। एक बार इंग्लैंड में 1855 के आसपास क्या हुआ था, ग्रीष्म ऋतु में ही क्या आ गई थी, ठंडी आ गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से समताप मंडल में ये सब जमा होने से सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाया। तो इस प्रकार से क्या होता है, अचानक से भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है। हम देखेंगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट फैक्टर क्या है जलवायु परिवर्तन का, पृथ्वी का झुकाव। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। जितनी ज़्यादा झुकी हुई होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, मौसम, हमारी जलवायु में परिवर्तन होगा। ज़्यादा झुकी होगी तो तेज़ ज़्यादा क्या होगी, गर्मी होगी, ज़्यादा ठंडी होगी। जितनी कम जहाँ झुकी होगी उतना ही क्या होगा, कम मौसम में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है समुद्री जल धाराएं। हम जानते हैं जब सूर्य किरणें पड़ती है तो धरती भी क्या करती है, सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, साथ ही साथ वायुमंडल भी एब्जॉर्ब करता है, और समुद्र का जल भी क्या करता है, उस गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन वातावरण के मुकाबले जो जल है, जो समुद्र का जल है, वो 50% अधिक क्या करता है, सूर्य की किरणों की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए कहीं ना कहीं समुद्र की जो धाराएं हैं वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को मैनेज करने में या जलवायु को संतुलित करने में कहीं ना कहीं इनका योगदान है, ठीक है। जब समुद्र की धाराओं में कोई डिस्टर्बेंस आता है तो जलवायु में भी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने देखा कि प्राकृतिक गतिविधियाँ जिनसे जलवायु क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। हम देखेंगे मानवीय गतिविधियाँ, ह्यूमन की एक्टिविटी कौन कौन सी जिनसे जलवायु में परिवर्तन होता है। पहला है शहरीकरण। शहरीकरण मतलब हम जानते हैं आज की तारीख में हर एक व्यक्ति क्या होता है, शहर की तरफ भाग रहा है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो शहर में रहे, तरक्की करे, है ना, किसी उद्योग में पार्टिसिपेट करे। तो शहर में क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, ज़मीन की कमी आ रही है। ज़मीन की कमी आने के साथ साथ क्या हो रहा है, जल की कमी भी आ रही है। जल का वाटर लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया है ना। फिर वाटर लेवल डाउन होने से वहाँ पर जो शीतलता थी वो भी कम हो गई है ना। तो इस प्रकार से हम देखें तो शहर का जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा, परिवर्तित हो रहा है। तो शहरीकरण से भी क्या है, शहरीकरण भी हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, बड़े बड़े उद्योग धंधे में बड़े बड़े क्या होता है, चीज़ों का निर्माण होता है। जब चीज़ों का निर्माण होता है तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, ईंधन की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है, और कई जहरीली गैसों का इससे उत्सर्जन होता है। जब इन गैसों का उत्सर्जन होता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। जब ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है तो तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र का वाटर लेवल इंक्रीज होगा, और वाटर लेवल इंक्रीज होने से जो कोस्टल एरियाज हैं वो क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। जैसे हमारे भारत के राज्य की हम बात करें, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, ऐसे क्या हैं जो कोस्टल राज्य हैं, वहाँ पर क्या हो, कहीं ना कहीं उनके जो तटीय इलाके हैं वो धीरे धीरे जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है। हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर का, वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई। अब शहरीकरण बढ़ेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लोग वनों को काटेंगे, वनों को काट कर क्या क्या करेंगे, शहर विकसित करेंगे। जब वन नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जलवायु में परिवर्तन आएगा। कैसे, क्योंकि जब वन नहीं होंगे तो जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब करते हैं वृक्ष वो भी नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, क्लाइमेट में चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरक का प्रयोग। हम जानते हैं कि आजकल हम कृषि में कई प्रकार के रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, हमारी जो भूमि है वो भी मतलब क्या होता है, उसमें पोल्यूशन होता है, जल भी पोल्यूटेड होता है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन भी होता है। तो हमने देखा ये मानवीय गतिविधियां हैं जिनसे क्या होता है, कहीं ना कहीं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब जलवायु परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव होंगे, पहला प्रभाव क्या है, वर्षा। वर्षा पर प्रभाव होगा जलवायु परिवर्तन से, क्यों होगा, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तित होगी
तो जहाँ पर मानसूनी बरसात होती है, जैसे हम जानते हैं कि हमारे भारत में जो कुछ इलाके हैं जहाँ पर क्या होता है, मानसूनी बरसात होती है, तो वहाँ पर अत्यधिक बरसात होगी, ठीक है। और ऐसे इलाके जहाँ पर मानसून लेट से जाता है, जैसे उत्तर भारत, तो वहाँ बरसात ही नहीं होगी, ठीक है। तो जो ऐसा इलाका जहाँ पर मानसूनी बरसात होती है, वहाँ पर इतनी बारिश होगी कि बाढ़ आ जाएगी, आपदाएँ आ जाएंगी, और जहाँ पर कम बारिश होती है, वहाँ पर बारिश ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, वर्षा का जो डिवाइडेशन है, वितरण है, वो भी हमारा एक प्रकार से सिस्टम खराब हो जाएगा। फिर भूस्खलन होगा, अपरदन होगा, देखते हैं कि हम देखते हैं ना बड़े बड़े पहाड़ों में भूस्खलन होता है, वो गिर जाते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, वर्षा के प्रभाव से कई प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी। ये भी क्या है, जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा समुद्री जल स्तर पर प्रभाव। अब जैसे मैंने आपको बताया, जब हम क्या करेंगे, कई प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को वातावरण में छोड़ेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड को छोड़ेंगे, जल वाष्प को छोड़ेंगे, तो क्या हुआ, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा अर्थ का, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो क्या होगा, समुद्र का वाटर लेवल इंक्रीज होगा, तो समुद्र का जल स्तर भी क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और जो कोस्टल एरियाज हैं वो भी क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, मतलब तटीय इलाके भी धीरे धीरे डूबने लगेंगे, जैसे मालदीव कंट्री हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके तटीय इलाके क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी क्या होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हर एक जीव का क्या होता है, अपना एक वातावरण होता है, एक अनुकूल वातावरण होता है, उसी टेम्परेचर में वो क्या होता है, रह पाता है, टेम्परेचर के कम होने से, ज़्यादा होने से सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही जलवायु में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, जब उसकी अनुकूल स्थिति नहीं होगी तो क्या होगा, वो यहाँ पर सर्वाइव या जी नहीं पाएगा, और उस जीव की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, और देखने में आएगा धीरे धीरे वो जीव विलुप्त हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, जब जीवों में वेरिएशन है, जो डाइवर्सिटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो विभिन्न प्रकार के जीव धरती पर हम देखते हैं वो नहीं मिलेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं क्या है, बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट है आपका मानव का स्वास्थ्य। बिल्कुल, मानव का स्वास्थ्य भी क्या होगा, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो श्वास लेने में दिक्कत होती है, साथ ही साथ हृदय रोग भी होंगे, है ना, हार्ट अटैक्स वगैरह की समस्याएं भी आएंगी, तो इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याएं इससे आएंगी। अब बात आती है कि अभी तक इस पर क्या क्या एक्शन लिया गया है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो पहला है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल बना है, IPCC। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का फ्रेमवर्क बना है। फिर पेरिस समझौता हुआ है, पेरिस समझौता में क्या हुआ है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उन पर कंट्रोल के लिए समझौता हुआ है। फिर COP25, इसमें 200 देशों ने क्या किया, ऐसे गरीब देश जो जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए समझौता हुआ, ठीक है। तो कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी प्रयास हुए। यदि हम भारत की बात करें तो भारत ने क्या किया है, कई प्रकार की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ चलाई हैं, जो कि मुख्य रूप से 8 प्रकार की हैं, है ना। राष्ट्रीय सौर मिशन हम बात करें, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है, ठीक है, सुस्थिर है ना, सुस्थिर एक राष्ट्रीय मिशन है हमारा। फिर इसके अलावा और भी कई हमारे कृषि से, मतलब कृषि से संबंधित राष्ट्रीय मिशन भी है। तो कई प्रकार के भारत ने भी क्या है, जलवायु परिवर्तन पर एक्शन लिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा क्लाइमेट चेंज के रीजंस क्या क्या हैं, कारण क्या क्या हैं। फिर हमने देखा कि जो क्लाइमेट चेंज होता है वो 2 प्रकार से होता है, नेचुरल एक्टिविटी से और ह्यूमन एक्टिविटी से। तो जो हमने प्राकृतिक आपदाएं देखी, प्राकृतिक गतिविधियां देखी, मानवीय गतिविधियां देखी, फिर हमने देखा कि क्या क्या प्रभाव जलवायु परिवर्तन के पड़ते हैं और क्या क्या प्रयास अभी तक किए गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।